गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसा कि हमने प्लानिंग चैप्टर में बहुत कुछ कवर कर लिया था हमने प्लानिंग क्या होता है वो कवर किया प्लानिंग की प्रोसेस कवर की प्लानिंग के एडवेंटेजेस डिसएडवांटेजेस देखी और टाइप्स ऑफ प्लान्स हमने देखे एक टॉपिक जो हमारा बच गया था इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग ये हमारे सिलेबस में है बाई चांस ये छूट गया था चलिए आज हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग की तो हम जो प्लानिंग है उसे थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं एक होता है हमारा कॉरपोरेट प्लानिंग एक होता है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एक होता है हमारा ऑपरेशनल प्लानिंग राइट कितने पार्ट्स में डिवाइड किया प्लानिंग को थ्री पार्ट्स में क्या क्या कॉर्पोरेट प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑपरेशनल प्लानिंग अब हम एक एक करके तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे अगर हम बात करें कॉरपोरेट प्लानिंग की कॉरपोरेट प्लानिंग का क्या मतलब होता है पूरी एंटरप्राइज के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया प्लान डेट इज कॉल्ड कॉरपोरेट प्लानिंग प्लानिंग एक्टिविटीज डन फॉर दर एंटरप्राइज इज कॉल्ड कॉरपोरेट प्लानिंग ठीक है जो फोकस होगा कॉरपोरेट प्लानिंग का वो किस चीज़ पर होगा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने पर इसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना ऑर्गेनाइजेशन के और कैसे करना पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिट समझ कर क्लियर एक बार पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए उसके बाद क्या करना उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है उसके लिए प्लान जेनरेट करना ठीक है और प्लान जनरेट करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी एक्सटर्नल एनवायरमेंट जी हो और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी कौन सा पार्ट मैक्रो लेवल का पार्ट ठीक है मैक्रो लेवल का पार्ट ये आपने पहले भी पढ़ा होगा जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज कहती कैसी हैं इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं पॉलिटिकल फैक्टर किस तरीके का है वहाँ पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाने हैं जो कॉरपोरेट प्लानिंग है वो कौन बनाता है जनरली किसका काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है अगर हम इसे डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्राकर कॉरपोरेट प्लानिंग क्या होगा इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रेजेंट रिस्क टेकिंग डिसीजन सिस्टेमेटिकली एंड विद द ग्रेटेस्ट नॉलेज ऑफ देयर फ्यूचरिटी कि फ्यूचर में उसका क्या इम्प्लिकेशन होगा उसको देखते हुए आज की डेट के लिए डिसीजन लेना ऑर्गेनाइजिंग सिस्टेमेटिकली दफर्ट्स नीडिज टू कैरी आउट डिज डिसीजन अब डिसीजन तो ले लिया उसके लिए ऑर्गेनाइज करना जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स हैं सारे किस साइड होंगे कि जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन लेकिन जो जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वो सारे रिसोर्सिस प्रोवाइड करना एंड मेजरिंग एक्सपेक्टेशन थ्रू ऑर्गेनाइज एंड सिस्टेमेटिक फीडबैक की और परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे टाइम टू टाइम फीडबैक देकर तो ये था पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से ओवरव्यू बताती हूँ कॉर्पोरेट प्लानिंग पूरी एंटरप्राइज के लिए बनाई गई प्लानिंग होती है कौन बनाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है कॉरपोरेट प्लानिंग के अंदर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल यूनिट समझ के और उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं चलिए अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के डैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्लानिंग क्या होता है प्रोसेस ऑफ़ डेवलपिंग टू रीच डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पर यह हमारा एक तरह से कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेल्प करता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया उसे अचीव कैसे करना है उसके लिए प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना डैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी इट सेट्स द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन आ गया ना तो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच इट वांट्स टू प्रोसीड इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लान बनाना लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देना कि फ्यूचर को कैसे अचीव कर पाएगी अकॉर्डिंग टू एंथोनी देखो क्या बत, बोलता है एंथोनी इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट स्टेप क्या हुआ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करना ऑन चेंजेस ऑन दिज ऑब्जेक्टिव एंड ऑन द पॉलिस डाटा टू गर्न द एक्विजिशन उसके बाद गाइडलाइन सेट करना के जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उन्हें अचीव कैसे करना है यूज एंड डिस्पोजिशन ऑफ दिज रिसोर्सिस हमारे पास जो रिसोर्स हैं उन्हें यूज कैसे करना है कैसे डिस्पोज करना है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज ऑ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एज दे वुड स्पेसिफाई द अदर डिसीजन डेट नीड टू बी टेकन ठीक है ये जनरली हमारी कॉर्पोरेट प्लानिंग की एक बैकबोन हो जाती है स्ट्रेटेजिक टेक्टिकल प्लानिंग या फिर इसे एक और नाम दे सकते हैं डेट इज ऑपरेशनल प्लानिंग ऑपरेशनल प्लानिंग की बात करें या टेक्टिकल प्लानिंग की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है शॉर्ट टर्म मतलब एक साल के लिए बनाया गया प्लान कवर्स वन ईयर ये लिखा हुआ है ना और टेक्टिकल प्लानिंग द कन्वर्जन ऑफ प्लान डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक एक्शन प्लान अब हमने जो बनाई स्ट्रेटजी तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म प्लान हो गया उसको अचीव करने के लिए प्लान आर डिजाइन टू सस्टेन ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स प्रोडक्ट ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है इज डन एट दिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट ये चीज ध्यान रखना मिडल एंड एट द और लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशनल प्लानिंग को कैसे डिफाइन किया हुआ है ऑपरेशनल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज हमने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कैसे करना है फिर क्या है एलोकेटेड रिसोर्सेज फिर रिसोर्सेज एलोकेट कैसे करने एंड टू डेवलप अ कंट्रोल मैकेनिज्म फिर हमने क्या करना है हमने uh, मतलब प्रोसेस भी डिसाइड कर लिया उसे एलोकेट कैसे करना है और कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे होगा उसे इंप्लीमेंट करने का सो डेट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव तो ये था हमारा टेक्टिकल प्लानिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग बहुत इजी टॉपिक था सिंपल सा टॉपिक था बस एक टॉपिक रह गया था वो हमने आज कवर कर लिया इसके साथ ही प्लानिंग चैप्टर यहाँ पर फुली कंप्लीट होता है कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन पुटिंग योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स और ऑन व्हाट्सएप ग्रुप थैंक यू सो मच